नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मधुबनी जिला पुलिस कप्तान सुशील कुमार झंझारपुर थाना पर पहुंचे हुए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। झंझारपुर थाना पर झंझारपुर के SDPO आशीष आनंद और फुलपरास की SDPO दुर्गा शक्ति भी मौजूद हैं। हमारे इंस्पेक्टर महफूज आलम भी हमारे पीछे आप देख रहे हैं, वो मौजूद हैं। पहले SP साहब के पहुँचते ही उन्हें ग्रीन कॉर्पेट बिछाया गया था उनके स्वागत के लिए, और रेड कॉर्पेट पर खड़े होकर के उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी दी गई। SP सुशील कुमार निरीक्षण कर रहे हैं, कई घंटे लगभग एक घंटे से वो संचिकाओं को खंगाल रहे हैं। उनके आने की पूर्व सूचना के कारण यहाँ पर काफ़ी लोग सतर्क थे, तैयारी हो रही थी। अभी एक चक्रा ऐप काफ़ी प्रचलित और हो रहा है, पुलिस को अपने क्राइम डिटेक्शन में अपडेट करने के लिए विभिन्न तकनीकी सहायता के लिए वो अपने काम को कर रही है। आज हम उनसे भी जानेंगे कि चक्रा ऐप क्या है और अन्य जो भी जानकारियां हैं वो मधुबनी जिला के पुलिस कप्तान सुशील कुमार से स्वयं आपको मिलवाते हैं। आइए उनसे मिलते हैं। कई तरह के रजिस्टर्स होते हैं थाने में, मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं, अपडेट किया दिन रहा है। हर काम के लिए अलग से लोगों को डिप्यूट किया गया है, खासकर के जो शिक्षित सिपाही हैं उनको इतने लोगों को एज अ डेटा सेंटर, तो उनका भी अब जिम्मेदारी दी गई है। निभा पा रही है कि नहीं, सही तरीके से कर पा रही है नहीं, उन सब चीजों को भी देखा जाएगा। उसके अलावा कहीं यूज करके CCTNS में एंट्री होना है, चाहे चक्रा ऐप है जिसमें किसी भी अपराध उसके सारे डिटेल्स उसके साथ उसका फोटो भी अपलोड किया जाता है, ताकि सोशल इंटेलिजेंस का यूज करके क्या फोटो आता है CCTV से या जैसे लोग उससे मैच करा करके अभी जो है घटनास्थल पर मौजूद था। तो ये सारी नई तकनीकों को भी हम लोग यूज कर रहे हैं, उसमें एंट्री अच्छे से हो रही है कि नहीं, शुद्धता तक पूर्वक हो रही है कि नहीं। उसके अलावा कोई भी अपराधी जो है पकड़ा जाता है एंट्री भी करनी है, नाफिस जिसको कहते हैं। उसके अलावा आगे जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें आईरिस जो आंखों का होता है उसका भी फोटो लेना, उसके अलावा चेहरे का फोटो लेना, ये सारी चीजों को, तो उन सब चीजों पे फर्स्ट फेज में काम हो रहा है, वो अच्छे से हो रहा है नहीं उन सब। उसके अलावा जो केस के स्कूलन और उसमें जो कमी है उसमें निर्देशित किया जा रहा है। उसके अलावा जो वारंट कुर्की है थाना में लंबित है किया जाए, उस चीज पे भी हम लोगों ने। सर, चक्रा ऐप बहुत चर्चित हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताते क्या है? ताया चक्रा ऐप जो है उसमें जो भी अपराधी थाना के द्वारा पकड़ा जाता है उसका चक्रा ऐप में एंट्री होना है। उस ऐप में उसका अपराधी उसके साथ का नाम, एड्रेस, उसका का जो कोई चिन्ह है वो, उन सब सारी चीज, और मेन उसका जो मुख्य उसका ये है कि उसमें तीन तरीके से फोटो ली जाती है और ट्रैप में चला जाता है। अगर किसी घटना स्थल पे कोई अपराधी अपराध करते हुए फोटो आ जाता है तो उससे हम लोग चक्रा ऐप में उसका फोटो डाल के मैच कराएंगे, तो अगर वो पहले से जेल गया जाएगा कि ये फलना अपराधी घटना स्थल पे था, तो पहचान, उसके अलावा चूंकि ये टेक्निकल एविडेंस होगा तो उसको सजा दिलाने में भी कोर्ट को सुविधा होगी और हम लोग को भी सुविधा होगी, सजा दिलाने में आसानी होगी। झंझारपुर अनुमंडल के लिए कोई भी अनुमंडल, चूंकि ये तो हाईवे लगातार गश्ती करना ताकि जो हाईवे से रिलेटेड क्राइम होते हैं उस पर हम लोग रोक लगा पाए, उसके लिए हमें निर्देशित किया गया लगातार, और जो जहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है, भीड़ कम है, लोगों की आबादी कम है, वहाँ पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और उसी तरीके पहचान करके रखे हुए कि जहाँ पे घटनाएं ज्यादा होती है उस जगह पे ज्यादा निगरानी रखने की आवश्यकता है, इस चीज़ों को भी हम निर्देशित किया है। झंझारपुर थाना निरीक्षण अभी भी अंदर चल रहा है। SP सुशील कुमार की बातें आपने सुनी और निरीक्षण के बाबत विभिन्न प्रकार की आपको जानकारी मिली है।
चक्रा ऐप क्या है इसको भी आपने देखा, और विभिन्न प्रकार के तकनीकी सिस्टम से पुलिस लैस हो रही है, पुलिस अपडेट हो रही है, अपराधियों की अब खैर नहीं है। ऐसी कामना करते हैं इस ऐप से, एक बार जो अपराधी पकड़ा जाते हैं वो फिर लगातार उसी में फंसे हुए रहते हैं, और भी इन्हीं विभिन्न प्रकार की जानकारी से आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, और बिहार 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें, विभिन्न अपडेट जानकारी मैं आपके पास पहुंचाता रहूंगा। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।